back to my channel. My name is Chetna Gambhir. अगर आप न्यू हो तो हाई, अगर आप पुराने दोस्त हो तो थैंक यू सो मच. आज की वीडियो में इफ़ यू हैव सीन हम बात करेंगे फेस रेजर के बारे में, आप फेस के हेयर कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड उसके कुछ मिथ्स डूज एंड डोंट्स के बारे में. ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश में होगी, मतलब इंग्लिश में होगी. आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बोलूँ बट बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश यूज़ कर लूँगी. सो मैंने आज क्वेश्चंस लिखे हैं एंड ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने रेजर यूज़ करना स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले. तो तब क्या क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे वो क्वेश्चंस मैंने इधर लिखे हैं. मेरे अकॉर्डिंग में काफ़ी कुछ कवर कर दूंगी इस वीडियो में, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है जो मिस हो गया है कॉमेंट बॉक्स में आप लिख दें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन, फेस रेजर यूज़ करने से पहले हमें फेस पे क्या करना है? कुछ नहीं करना, फेस को अपने रेगुलर फेस वॉश से क्लीन करना है एंड टॉवल से अच्छे से डैप करके क्लीन कर देना है, पानी हटा देना है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. रेजर कहाँ से लेना है? रेजर मैंने जो यूज़ किया है वो मिनीसू का भी यूज़ किया है और अमेजोन से भी लिया है एंड मुझे दोनों ही सूट कर रहे हैं. एंड ये है रेजर. एक चीज़ जो मैं ध्यान रखती हूँ लेने से पहले कि इसमें कैप हो, तो कैप होने से फ़ायदा ये होता है कि आपका यूज़ ज़्यादा अच्छा रहता है, सेफ ज़्यादा रहता है, हाइजीनिक बहुत रहता है कि ब्लेड उस पर गंदा वंदा नहीं हो रहा, मिट्टी नहीं चढ़ रही. बट हाँ, जब भी मैं उसे यूज़ करती हूँ उसे वॉश ज़रूर करती हूँ अगर मुझे लगता है. वैसे तो आप 20 बारी यूज़ कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, बट जब मुझे लगता है यार ढंग से नहीं पड़ा था, पानी चला गया, जंग लग गया, मैं उस रेज़र को उसी वक्त थ्रो कर देती हूँ. सो ये है एक ज़रूरी पॉइंट. दिस इज़ व्हाट द रेज़र लुक्स लाइक. नॉर्मल रेज़र है, मैं इसका लिंक बायो में डाल दूंगी एंड आप उधर से परचेज कर सकते हैं एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. एक पैक में 3-4-5 मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द पैक दैट यू चूज़. कितना ऑफ्टन आप शेव कर सकते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है, बट हाँ एक बेयर मिनिमम आपको आई थिंक 15 दिन का गैप देना चाहिए. लोग महीने में 2 बार भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं हर हफ्ते भी करते हैं. मेरे हिसाब से महीने में 1 बार भी काफ़ी है. मैं पर्सनली महीनों भी नहीं करती. कभी लगता है वीडियोस बनाने के, अब जैसे मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं करूँ ताकि मेरा मेकअप और क्लीन लाए, या वेडिंग सीजन आया है, काफ़ी वेडिंग्स में जाना है एंड काफ़ी रेगुलर मेकअप करना है, तब मैं कर लेती हूँ. बिकॉज इन हेयर से मुझे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, सो आई डोंट माइंड देम ऑन माई फेस. बट हाँ, अगर मुझे रिमूव करना होता है तो मैं कर लेती हूँ. मेरा कोई हर महीने का स्केड्यूल नहीं है या हर 15 दिन का स्केड्यूल नहीं है. अगर आप करना चाहें तो आप हर 15 दिन कर सकते हैं या महीने में 1 बार कर सकते हैं. आप बिफोर शेविंग क्या यूज़ कर सकते हैं? बिफोर शेविंग मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ एंड आई थिंक इट वर्क्स ग्रेट. सबसे बड़ा रीज़न, जब आप शेव करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक हीट काइंड ऑफ जनरेट होती है एंड जो एलोवेरा है वो एक ठंडक देता है फेस को, विच हेल्प्स समहाउ वाइल शेविंग योर फेस. एंड बिना किसी प्रोडक्ट लगाए शेविंग मत करना, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको. जो रेजर है वो इजीली ग्लाइड नहीं करेगा, आपकी स्किन पे रैश आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कट पड़ सकता है. ऑल्दो ये रेजर शार्प नहीं होते बट स्टिल बी सेफ, डोंट यूज योर रेजर विदाउट अप्लाइंग सम प्रोडक्ट. फॉर मी एलोवेरा जेल वर्क्स बेस्ट. दिस इज पतंजलि का. आई हैव यूज मामाअर्थ का ऑल्सो, विच इज ऑल्सो ऑसम. तो आप जो चाहे, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं जिस भी ब्रांड का. सबसे बड़ा मिथ, शेविंग करने से बाल थिकर एंड डार्कर ग्रो होते हैं. नो, दैट्स नॉट अ केस एट ऑल. मतलब मैंने जितनी बार भी शेव किया पिछले 4 सालों में, अगर मैंने 10 बार किया या 20 बार किया, एक बार भी ऐसा मुझे फील नहीं आया कि मेरे जो फेस हेयर है वो डार्कर और थिकर ग्रो हो रहा है या ज़्यादा बढ़ गई है हेयर ग्रोथ. ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हेयर ग्रोथ बढ़ती है, ना डार्क होते हैं और ना ही थिक होते हैं. जैसे आपके हेयर वैसे ही रहते हैं. जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो काफ़ी डीप होते हैं तो, और जो ये फेस रेजर होता है सिर्फ ऊपर से आपके बाल हटा रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. वो आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं देगा एंड कुछ भी ऐसा नहीं होगा. ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है. बट हाँ, जिनको पिंपल्स हैं, जिनके फेस पे एक्ने हैं, प्लीज़ वो मेरे अकॉर्डिंग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके ही यूज़ करें, बिकॉज यू माइट टेयर योर पिंपल एंड आपके फेस पे परमानेंट निकार हो जाएगा. सो प्लीज़ या बी केयरफुल अबाउट दैट पिंपल. जस्ट टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यूजिंग द रेजर ऑन योर फेस इफ यू हैव पिंपल और पिंपल मार्क्स. अब मार्क्स है सिर्फ, पिंपल्स नहीं है, दाने नहीं है किसी तरह के, तो आप यूज़ कर सकते हो बट बी केयरफुल अबाउट इट. किसी किसी के मार्क्स जो होते हैं ना वो थोड़े अंदर तरह होते हैं, थोड़े अंदर डीप होते हैं एंड व्हेन यू आर शेविंग योर फेस यू माइट कट योर फेस. सो बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, अदरवाइज यू कैन यूज योर रेजर. बट अगेन, आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. एज पर स्किन की नॉलेज के बारे में मैं कहूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है, नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यार शेयर कर रही हूँ एंड एज यू कैन सी आई डोंट हैव पिंपल्स और आई डोंट हैव एक्ने मार्क्स. तो उस चीज़ का मैं आपको बेटर गाइडेंस नहीं दे सकती. या आप किसी यूट्यूबर को देखें जिनको पिंपल्स एक्ने मार्क्स होते हैं, जो अपनी स्किन के बारे में बात करते हैं, अगर उन्होंने फेस रेजर के बारे में बात की, दैट आई वुड थिंक इज गोना बी अ बेटर पर्सन फॉर यू. दैट्स प्रीटी मच इट. यही क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के माइंड में आते हैं. अब हम प्रोसेस करते हैं एंड देन यू विल सी हाउ टू डू इट, व्हाट माय फेस लुक्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर.
लेट्स डू इट। I have lathered my skin with aloe vera gel. That's how conscious I am. थोड़ा सा ड्रॉप्स भी चलेगा बट मुझे लगता है बेटर जब मैं अच्छे से स्किन को लादे कर लेती हूँ जिससे कोई डैमेज ना हो. देन आई वॉश इट वंस अगेन बिफोर यूजिंग इट. शेव करने का तरीका अलग होता है. आई एम सेइंग दिस, मैं उसी तरह शेव करती हूँ जहाँ पे नेचुरल ग्रोथ होती है. डोंट शेव इट, आई डोंट लाइक टू शेव इट अपवर्ड्स, बट आई हैव सीन सम पीपल डूइंग इट अपवर्ड्स एज वेल. एंड कितना क्लोज जाना है आपने अपने हेयर लाइन के. आई लाइक माई बेबी हेयर सो आई डोंट गो वेरी क्लोज टू माई बेबी हेयर. आई जस्ट लाइक टू क्लीन द फेस एंड नॉट गिव अ शेप हियर. इफ यू वॉन्ट दैट आप भी वो कर सकते हैं. जब भी आप शेव कर रहे हो अपना रेजर हमेशा स्लैंट रखना है, ऐसे शार्प नहीं रखना है. आई एम लुकिंग देयर एज वेल बिकॉज आई एम मेकिंग अ शॉर्ट ऑल्सो, सो इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम हियर इज द हैंडल, प्लीज डू. एंड आईब्रोज करते हुए स्पेसिफिकली बहुत ध्यान से करना है. आईब्रोज करते हुए अपनी आईब्रोज को शेव मत कर देना, जो कि मैंने बहुत लोगों का डर देखा है कि हने नहीं हम करेंगे तो हमारा तो हम शेव ही कर देंगे, हम करेंगे ही नहीं. आपके हाथ में ये प्रोडक्ट है, आप उसे यूज कर रहे हो, कितना डीप आपने जाना है कितना नहीं वो आपके हाथ में है. सो डोंट वरी, जस्ट हैव कंट्रोल ओवर योर हैंड एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे. स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आराम से करो, ज्यादा क्लास मत जाओ. जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए एक दो बार तीन बार शेव करने के बाद, देन गो क्लोजर टू योर आईब्रोज. इतना डिफिकल्ट नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच कर लो एंड जस्ट शेव. As you can see, I don't have brow over here. I got microblading done, it all got bad. Anyways, so I have a, I think it's a permanent scar that I have on my face, which is half done eyebrow. And my actual growth aati hai, wo niche aati hai. So I like to shave this clearly this portion, so that wo neat rahe and uske upar main makeup se brow fill kar sakun. Now if you're not doing that, to aap apna razor sirf yahan tak lao. नोज पे हेयर नहीं है, नोज पे मैं क्यों मार रही हूँ. पीच फज होता है आपके फेस पे जो बालों के साथ निकलता है, एंड इसीलिए मैं नोज पे भी थोड़ा सा मार रही हूँ. बट अक्सर मेरे को नोज पे ना एक छोटा सा पिंपल जरूर आता है जब भी मैं रेजर मारती हूँ. अब आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली मैं नोज पे स्क्रब भी करती हूँ तो भी मुझे पिंपल आता था. आई थिंक माई नोज का स्किन इज वेरी सेंसिटिव, सो डू इट एट योर ओन रिस्क नोज पे. एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटा सा पिंपल आता है वो चला जाता है एक दो दिन में. सो आई डू इट, एंड अब तो वैसे भी आने वाला है, ऑलरेडी एक निशान है, सो आने दो, मिल लेंगे उससे. मेरा फेस हो गया स्टिकी, मैं थोड़ा सा पानी डाल के आती हूँ. आई एम डन, आई गोना वॉश माय फेस विद कोल्ड वाटर. ठंडा पानी, नॉट लाइक सो ठंडा की फ्रिज से निकाला हुआ, बट नॉट हॉट वाटर, नॉट लाइक वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर से अपना फेस को वॉश करो, क्योंकि पोर्स जो है ना वो भी थोड़े खुले खुले हो रहे हैं. एंड गर्म पानी दोगे तो उसे और खोल लोगे, वो हमें नहीं करना है. हमें अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है. यू कैन यूज सोप इफ यू वॉन्ट, डोंट यूज इफ यू वॉन्ट, आई एम नॉट गोना यूज दैट. आई एम जस्ट गोना वॉश माई फेस एंड आई एम गोना अप्लाई मॉइस्चराइजर और फेस ऑयल, एनी थिंग. आई लाइक फेस ऑयल मोर देन मॉइस्चराइजर, सो या लेट मी डू दैट इन द बाथ. दिस इज द अमाउंट ऑफ गम दैट केम आउट ऑफ माई फेस एंड बैक. अब मैं फेस को नो, अगर आपने सुना है नहीं सुना, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो सुन लो. आज कभी भी फेस को ऐसे रब नहीं करते, टाल लेते हैं, माइक्रोफाइबर टाल ज़्यादा बेटर होता है, उसको लेके टैप आफ्टर यू वॉश योर फेस. एंड हो सके ये मेरा पर्सनल थॉट है, वेन एवर आई वॉश माई फेस, विच आई डू एवरी टाइम, नॉट विथ सोप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर. एवरी टाइम आई वॉश माई हैंड्स आई टेंड टू थोड़ा सा पानी लेके जस्ट डू लाइक दिस एंड लेट इट बी. एंड आई फील वो मेरी स्किन को बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आई एम नॉट द स्किन केयर काइंड ऑफ गर्ल जो रोज करती है या समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम 30 एंड आई फील माई स्किन इज वेरी गुड, नॉट दी बेस्ट, नॉट ग्लोइंग एंड स्टफ लाइक दैट, बट वेरी क्लीन एंड वेरी गुड बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज जब मैं पानी डाल के ऐसे छोड़ देती हूँ तो मेरी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करता है ऐसा लगता है मुझे, एंड मुझे बेटर फील होता है, फ्रेश फील होता है. एंड मुझे लगता है उसके बड़े फ़ायदे हैं, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी. एनी वेज तो ये करने के बाद आप ले लो मॉइस्चराइजर, ले लो ऑयल, ले लो एंड लगा लो अपने फेस पे भर भर के, नहीं भर भर के नहीं, जितना ज़रूरी है उतने. एंड ये मैंने लगा लिया फेस मॉइस्चराइजर एंड दिस इज़ व्हाट माई फेस लुक्स लाइक.
what do I feel after using the razor? I feel really fresh और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है razor use करके. सब तक कोई बाहर कम हो गया है. I don't know why, but it does feel really good after using razor. अगर आपको किसी तरह की जलन हो रही है या कुछ भी हो रही है तो please talk to your dermatologist. aloe vera gel use करो, बहुत अच्छा है, better है. And after doing the process, do apply moisturizer or something on your face. Don't leave your face just like that. Do the entire skincare if you're that kind of a person, or do just the moisturizer and then you're good to go. So that's it for today's video. I hope you liked the video and I hope you are satisfied with all the questions and answers and everything. If you are not, it's okay. Just comment below and let me know. I'll definitely answer your question. Bye. Don't forget to subscribe, like and share. And if you want to follow me on Instagram, again, this is the handle. You can do that. Not pushing it out, but yeah. Thank you. Bye.